स्टूडेंट्स 1.3 प्रॉब्लम देखो। इट इज आस्किंग कि चेक करो कि जो रेशियो है के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, एक रेशियो बोला है उसने इस तरह का, राइट। इसको स्टडी करना अपन को इस क्वेश्चन में, ये डायमेंशनलेस है कि नहीं इसको चेक करते हैं, और फिर बाद में इनकी वैल्यूज निकालने को बोला है। फिजिकल कॉन्स्टेंट की टेबल को देखकर इनकी वैल्यू निकालो, और एट लास्ट पूछता है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो पहले रेशियो डायमेंशनलेस चेक करने के पहले ये ध्यान रखते हैं कि इसमें क्या क्या अपन जानते हैं और क्या क्या अपन को फाइंड आउट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन है ये, इसको चार्ज बोल सकते हो। ये के बेसिकली कूलम कॉन्स्टेंट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और हमें इसमें अभी इंटरेस्ट इसके यूनिट पे है, ठीक है, जो कि होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। यहीं से अगर अपन के का डायमेंशन चेक करेंगे तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, एन का मतलब होता है न्यूटन, तो वो जाएगा एम एल टी माइनस टू, राइट, और एम का स्क्वायर दैट मीन्स मीटर्स, तो इट विल बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का मतलब होता है 80, और इसका भी अपन स्क्वायर कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है अपन को, ठीक है, ये मिल रहा है अपन को एम वन हो जाएगा, एल कितने हो रहे हैं यहाँ पे, एल हो जाएगा 3, टी हो जाएगा -4 और ए हो जाएगा -2, ठीक है। ये के का डायमेंशन है, याद है तो डायरेक्ट ले सकते हैं अपन। सिमिलरली और कुछ ज़्यादा टफ तो है नहीं, चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अपन जी के पास बढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला होता है या न्यूमेरिकल टर्म होती है 6.67 × 10⁻¹। इसका यूनिट ध्यान देना बच्चों, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। यहाँ से अगर जी को स्टडी करोगे, बॉक्स लगा दिए मतलब डायमेंशन लिखूंगा मैं, है ना, तो डायमेंशन के लिए न्यूटन के लिए आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, दैट विल बी फॉर फोर्स। मीटर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एल का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, और केजी का मतलब हो जाएगा वापस से अपने पास एम के दो टर्म आएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और बच्चों को याद भी होता है कि एम माइनस वन आएगा, एल क्यूब आएगा और टी माइनस टू आएगा। इन दोनों की हेल्प से इसको पढ़ते हैं। नाउ जो अपन को रेशियो पूछा है सामने वाले ने वो क्या है, वो है के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई और एम पी, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो के यहाँ फाइंड कर रखा है, लिख देते हैं अपन एम एल थ्री टी टू पावर माइनस फोर, ए हो जाएगा बच्चों -2, ठीक है। और चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज तो बेसिकली ए इंटू टी होता है, बेसिक डायमेंशन अपन पढ़ते हैं टेबल में तो याद कर लेते हैं। स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं अपन। सिमिलरली ये हो जाएगा जी विच विल बी एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, और यहाँ पर दो मास हैं तो मैं दो मास को ऐसे दो बार लिख देता हूँ। आप देख ही सकते हो यहाँ से कि ये काफ़ी कुछ कैंसिलेशन में चला जाएगा, मास भी कैंसिल हो रहा है, आपको एल का क्यूब कैंसिल होता दिख रहा है, और ये सभी कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों। दैट मीन्स आपका आंसर आना चाहिए एम जीरो एल जीरो और टी जीरो, विच इज श्योरली ये सक्सेस मिल रहा है अपन को यहाँ पे, ये हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है, लेस। ये जो रेशियो है पूरा वो हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है। तो ये रेशियो तो डायमेंशन लेस मिल गया अपन को, इसकी वैल्यूज देखते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू समझने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि के ई स्क्वायर का टर्म कितना मिल रहा है। के होता है बच्चों 9 × 10⁻⁹, ई स्टैंड्स फॉर 1.6 × 10⁻⁹, और इसका स्क्वायर लेना है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। होल डिवाइड की बात करेंगे तो हो जाए 6.67 × 10⁻⁻¹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होता है अपन को 9.1 × 10⁻³¹, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.6 × 10⁻²⁷ केजीज में आ रहा है ये, ठीक है। और ये पूरा न्यूमेरिकली आप सॉल्व करोगे तो आसपास पहुंचोगे आप लोग 2.3 × 10⁻³⁹, और ये कोई यूनिट वगैरह तो होगी नहीं, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि ये डायमेंशन लेस होगा, तो यहाँ अपन लिख देते हैं कि यूनिट लेस है, एक तरह का ये रेशियो आ रहा है। तो यहाँ तक अपन ने इसको स्टडी कर लिया है। अब क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर रेशियो का, तो रेशियो का सिग्निफिकेंस हम इस तरह समझ सकते हैं बच्चों
कि इसको ध्यान से अगर देखोगे तो के ई स्क्वायर लिखा है और डिवाइड बाय GME और क्या लिखा है MP। अगर ऐसा करे कोई टीचर कि इसको आर स्क्वायर कर ले और यहाँ पे भी आर स्क्वायर कर ले, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ यू कैन अज्यूम अ सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर कैप्ट लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा माइनस का और यहाँ चार्ज जाएगा प्लस का। एंड व्हेन द डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस अपन नहीं चेंज करते, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज करते हैं, तो लिख सकते हो यहाँ पे व्हेन आर रिमेन्स, व्हेन आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये जो रेशियो है ना, इट सिग्निफाइज, ये क्या अपन को दे रहा है, इट सिग्निफाइज एफ ऑफ ई डिवाइड बाय एफ ऑफ जी। ध्यान रखना आर को यहाँ पे कॉन्स्टेंट करना है, तभी तो आप यहाँ से लिख पाओगे कि ये जो आर का टर्म है ये, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है और देखो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास और आर की वजह से ये वाली टर्म आ रही है और चार्ज और आर की वजह से ये वाली टर्म आ रही है, और जो आपका रेशियो है वो बेसिकली है क्या, एफ ऑफ ई डिवाइड बाय एफ ऑफ जी। ये तीन अपने बात पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में ये तीनों के आंसर्स हैं, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।